प्रधानमंत्री नहीं होते होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है मेरे साथ भी। मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो, वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ अच्छा, सरप्राइज होता है, इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं, जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया है, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रीक अलग चीज़ है, हाँ मैं स्ट्रिक हूँ डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता, मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समझ ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं स्ट्रेस हैं वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं, तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको गुस्सा इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोकता रोक हूँ। लेते हो? होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है, हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी। तो मैं जब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखें, उसे निकालें। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूँ और ज़ोर से चीखता हूँ, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है अच्छा, मन की स्थिति के लिए। ओके एक तो होता है चेहरे पर बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ क्या हुआ और मैंने क्या किया क्यों किया खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था।
फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये आपका आप लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया था। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं PM बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मैं घर मन नहीं करता, माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। अच्छा। मैंने पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है।